से देखते हुए टोंक से मिल रही खबर का रुख करेंगे। जिले के मालपुरा में निकलने वाली शिव कावड़ यात्रा पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। 2018 में कावड़ यात्रा पर पथराव के बाद प्रशासन ने दूदू छाण स्टेट हाईवे की बजाय नया मार्ग तय कर दिया। अभी तक उस मार्ग से कावड़ यात्रा नहीं निकाली गई। पारंपरिक मार्ग और नए मार्ग को लेकर प्रशासन और कांवड़ यात्रा समिति में सहमति नहीं बन सकी। दरअसल शिव कांवड़ यात्रा समिति कांवड़िये आज मालपुरा में प्रवेश करेंगे। बिसलपुर बांध से जल भरकर केदारनाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक करना प्रस्तावित है। पिछले दिनों एसपी और कलेक्टर ने समिति के लोगों के साथ बैठक कर नए मार्ग से यात्रा निकालने की अनुमति दी। समिति पारंपरिक मार्ग से यात्रा निकालने पर अड़ा है। कांवड़ यात्रा समिति का कहना है कि पारंपरिक मार्ग लोगों की आस्था से जुड़ा है और पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं, तो फिर प्रशासन पारंपरिक मार्ग से यात्रा निकालने से क्यों रोक रहा है। तो ऐसे में न्यूज 18 राजस्थान के कई सारे सवाल हैं। न्यूज 18 राजस्थान पूछता है कि प्रशासन को कांवड़ यात्रियों से आखिर कैसा डर है जो यात्रा मार्ग को बदलने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को अपनी व्यवस्था पर आखिर भरोसा क्यों नहीं है। हर कांवड़िए की डिटेल प्रशासन के पास है तो माहौल आखिर कौन बिगाड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हर कांवड़िए की डिटेल प्रशासन के पास होती है, यात्रा तय किया जाता है, फिर पुलिस आखिर डर क्यों रही है, कौन माहौल बिगाड़ सकता है। सवाल ये भी है कि कांवड़िए का आधार कार्ड लिया गया है, फिर आखिर किस बात का डर है। क्या पुलिस को अपनी व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, क्योंकि पुलिस की ओर से लगातार और प्रशासन की ओर से ये कोशिश की जा रही है। कांवड़ियों के साथ एक बैठक भी की गई और कहा गया कि यात्रा का मार्ग बदलेंगे। हालांकि कांवड़ समिति ऐसा नहीं चाहती है, वो चाहती है कि जो तय मार्ग है जिससे हमेशा वो यात्रा निकाला करते थे उसी से यात्रा निकाले, क्योंकि यात्रा आस्था से जुड़ा हुआ है, वो मार्ग आस्था से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि कांवड़ और प्रशासन में सहमति नहीं बन पा रही है। ये जो कांवड़ यात्रा है बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हो, पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग है उनके साथ, और रूट को लेकर जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था उसे क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि जो परमिशन दिया गया है वो नए रूट का दिया गया है और मेरे ख्याल से आयोजक भी समझ चुके हैं और इस पूरी यात्रा को हम शांतिपूर्वक संपन्न कर रहे हैं। ये जो कांवड़ यात्रा है बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हो, पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग। दौलत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, सबसे बड़ा सवाल यही है, प्रशासन मार्ग क्यों बदलना चाहता है, क्या पुलिस को अपने ऊपर भरोसा नहीं रह गया है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2018 में इस कांवड़ यात्रा पर पथराव हुआ था, जिसके बाद से 2 साल कोरोना के बीत गए और उसके बाद उसी समय प्रशासन ने नया मार्ग तय किया था। दूदू छाण स्टेट हाईवे से हमेशा जो पारंपरिक रास्ता था उसको छोड़ करके दूसरा मार्ग तय किया था और उस मार्ग पर अभी तक कांवड़ यात्रा नहीं निकली है। जो समिति है वो पारंपरिक यात्रा पर ही अपनी कांवड़ यात्रा निकालने को लेकर के लगातार 2018 से अब तक अड़ा हुआ है और प्रशासन चाहता है कि एक बार इस मार्ग से कांवड़ यात्रा निकल जाए, मुहर लग जाए, तो हमेशा के लिए ये रास्ता तय हो जाएगा। कांवड़ यात्रा समिति और प्रशासन लगातार एसपी कलेक्टर से लेकर के प्रशासनिक अधिकारी पिछले दिनों से कांवड़ यात्रा समिति से बैठक करी है, सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में कांवड़ यात्रा समिति से प्रशासन ने सभी कांवड़ यात्रियों के पहचान पत्र लिए गए हैं, उनकी फोटो लिए गए, तमाम जानकारी जो कांवड़ यात्रा में शामिल है उनके लिए गए हैं। बिसलपुर से जल भर करके आज मालपुरा के जो मंदिर है, महादेव मंदिर के मंदिर केदारनाथ, यहाँ जलाभिषेक होना है। 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बिसलपुर से टोडा रायसिंह और मालपुरा तक चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात है। अगर मानव श्रृंखला बना करके भी अगर कांवड़ यात्रियों को निकाला जाए, जो विवादित एरिया है मालपुरा शहर में, वहां से तो भी व्यवस्था बन सकती है, लेकिन प्रशासन उस पारंपरिक रास्ते को से कांवड़ यात्रियों को निकलने नहीं देना चाह रही है। जो जिद प्रशासन की ओर से लगातार जो आस्था का विश्वास का जो कांवड़ यात्रियों का रास्ता है उसको क्यों रोकना चाहते हैं। बिल्कुल दौलत, क्योंकि कांवड़ समिति ने साफ तौर पर ये कहा है कि हमारी आस्था का केंद्र है, हम उसी मार्ग से निकलेंगे, लेकिन प्रशासन बार बार क्यों चाहता है ये, क्योंकि आप बता रहे हैं कि डिटेल्स भी ले लिए गए हैं, आईडी प्रूफ्स ले लिए गए हैं, फिर आखिर किससे डर रहा है। आप नजर बना रखिएगा दौलत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए खबर बूंदी से है, जहां पर निर्मोही अखाड़ा मठ में घुसे आधा दर्जन बदमाशों द्वारा पुजारी को बंधक बनाकर मठ में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया। मौके के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हुआ है। बता दें, बूंदी निर्मोही अखाड़े के संत मोहनदास की मृत्यु होने के बाद से ही पीठाधीश्वर की वर्चस्व की लड़ाई है, जिसे लेकर मठ में तोड़फोड़ की गई। फिलहाल वास्तविक मुखिया कौन है मठ का, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल सकेगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मठ के पीठाधीश्वर को लेकर मारपीट की गई है और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और मैं झाड़ू निकालने लगा, पांच जने आ गए। पांच जने आते ही और उन्होंने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की, तो ये मंदिर आपका नहीं है, ये किसी और का है, हमारा है, उनका बताया खुद ने। तो कहा तुम यहाँ से रफू दफू हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे को मार डालेंगे। खबर कोटा से है, जहां पर स्टूडेंट सुसाइड के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले 7 महीने में 20 छात्र छात्राओं ने मौत को गले लगाया। कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिसके बाद अब कई सामाजिक संस्थाएं और जनप्रतिनिधि भी आगे आने लगे हैं। प्रशासन के साथ मिलकर कोटा की सामाजिक संस्थाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूट और हॉस्टल में जागरूकता अभियान चला रही हैं। इसके साथ ही टॉक सीरीज का भी आयोजन किया जा रहा है और स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जा रहा है। कुछ पॉइंट बताए कि कैसे हम सुसाइड को रोक सकते हैं। जो कोचिंग सरकार पहले फ्री टेस्ट लेता था, अब वो टेस्ट को नहीं लेता और ऐसे ही बच्चों को भर लेते हैं। पहले ये 25-30 बच्चों की एक क्लास होती थी, जिसमें जो बेस्ट टीचर होते थे, बेस्ट स्टूडेंट्स होते थे, उनकी अलग कैटेगरी होती थी। कोटा शहर पुलिस, कोटा शहर का प्रशासन सब इसमें काफ़ी समय से प्रयासरत हैं। हम कोचिंग वालों की बैठक करते हैं, हॉस्टल पीजी वालों की बैठक करते हैं। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट द्वारा सुसाइड करने के डरावने आंकड़े सामने आने के बाद अब कई जनप्रतिनिधि व सामाजिक संस्थाएं भी आगे आने लगी हैं और कोचिंग सिटी को सुसाइड सिटी बनने से रोकने के लिए नई मुहिम चलाने पर जोर दिया जा रहा है। वही छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए गठित स्टूडेंट सेल की टीम अब प्रत्येक छात्रों के पास पहुंचकर उनको तनाव मुक्त करने और उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। देखने वाली बात होगी कि ये तमाम प्रयास कितने कारगर साबित होते हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। रुक लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी जयपुर के दौरे पर हैं। आज एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे, मीडिया पैनलिस्ट की यह बैठक होगी। सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में ये खास बैठक होने वाली है। तो कुछ ही समय का वक्त रह गया है बैठक शुरू होने में। कुछ ही समय में प्रहलाद जोशी आज एक महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं, मीडिया पैनलिस्ट की ये बैठक होगी। मिशन 2023 को लेकर लगातार बीजेपी की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं, कई कवायदें की जा रही हैं, बैठकों का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण बैठक सुबह 11 बजे होने वाली है। कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत होगी, प्रहलाद जोशी इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी जयपुर के दौरे पर हैं और आज एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे, मीडिया पैनलिस्ट की यह बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। किस तरह से पार्टी का प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि आगामी चुनाव में जीत मिल सके, इसे लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, मीडिया पैनलिस्ट की बैठक कितना महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए? दिन है प्रहलाद जोशी का जयपुर में और तमाम बैठकें वो ले रहे हैं और किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए उसको लेकर आप पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। अभी 11 बजे मीडिया पैनलिस्ट जो पार्टी के पैनलिस्ट हैं, प्रवक्ता हैं, उनकी बैठक लेंगे और उसमें किस प्रकार से राज्य सरकार पर हमला बोला जा सकता है, किन नीतियों को लेकर सरकार के खिलाफ बोलना है, इन तमाम बातों को लेकर इसमें चर्चा होगी और प्रवक्ताओं को यह नसीहत दी जाएगी राज्य सरकार के खिलाफ मुखरता से अपनी बात जो है वो रखें। उसी संदर्भ में बैठक जो है वो होने वाली, लेकिन इसके अलावा भी आज बैठकों में व्यस्त रहेंगे और चूंकि अब आगामी परिवर्तन यात्रा निकलनी है,
चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा होनी है, उनको लेकर भी संभवतः आज चर्चा होगी। जी सौरभ, मीडिया वो मंच है जहां से सबसे ज्यादा लोगों को हम अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, ज्यादा लोगों तक। ऐसे में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और इस बैठक में ये भी डिसाइड किया जाएगा कि कौन कौन से वो बड़े मुद्दे रहने वाले हैं जिन्हें लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। कौन कौन लोग इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं सौरभ, इसे लेकर कोई अपडेट है क्या आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए प्रहलाद जोशी के अलावा जो पार्टी पदाधिकारी हैं वो बैठक में मौजूद रहेंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बैठक में मौजूद रहेंगे और जो तमाम प्रवक्ता पार्टी के जो राजस्थान को लीड करते हैं उन तमाम प्रवक्ता जो हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। और जिस प्रकार से राज्य सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार हो या महिला अत्याचार हो या फिर अन्य तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो नसीहत जो है वो चुनाव प्रभारी द्वारा दी। ठीक है सौरभ, कुछ ही समय का वक्त रह गया, आप नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए।